देश भर विच मशहूर चंडीगढ़ का गुलाब मेला यानी कि रोज़ फैसटिवल शुरू हो गया है। 43वां रोज़ फैसटिवल 3 दिन तक चलेगा। इस बार इस फैसटिवल के गुलाब दी 829 किस्मां देखने को मिलनगियां। इस तों इलावा 1369 क्यारियां दे विच 34,000 पौधे खिल खिलाउण दे लई तैयार ने। फैसटिवल विच मणिपुर का लिहारोबा, गुजरात का सिद्धी तमाल, असम का बिहू, राजस्थान का बेहरोपिया ते महाराष्ट्र दे लवानी समेत ले लद्दाख अते हरियाणा दे लोक नाच समेत हास कवि सम्मेलन ते सूफी संगीत तो इलावा होर कई रंगारंग प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। रोज़ मेले विच रोज़ाना कोई ना कोई गतिविधि होया करेगी जिस विच आम लोग भी हिस्सा ले सकेंगे। देखिए 43rd रोज़ फेस्टिवल चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का कोई फेस्टिवल नहीं है। आई रियली फील प्राउड एंड इलेटेड टू बी हेयर। और चंडीगढ़ के लोगों के लिए इससे बहुत बड़ी ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। और मैं ये समझता हूँ कि रोज़ ये एक सिंबल है लव का, अफेक्शन का, भाईचारे का। और यहाँ फेस्टिवल के अंदर जितने हमारे लोग आए हुए हैं, चंडीगढ़ से नहीं आसपास के सारे इलाकों से भारी मात्रा में लोग आते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से रोज़ फेस्टिवल की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे आएं, देखें और इस खूबसूरती का मज़ा लें, नेचर के साथ क्लोज फील करें। चंडीगढ़ में 43वां रोज़ फेस्टिवल आज से शुरू किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा जो है ये रोज़ फेस्टिवल हर साल जो है मनाया जाता है सेक्टर 16 के चंडीगढ़ रोज़ गार्डन में। तो आज का ये जो रोज़ गार्डन में ये फेस्टिवल शुरू हुआ है, 829 किस्म के जो है यहाँ पर फूल जो है वो दिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वहाँ पर दिखाया है कि किस तरह से इस बार जो अरेंजमेंट किए हैं नगर निगम की तरफ से जो है अरेंजमेंट किए गए हैं। काफ़ी यहाँ पर शाम को जो है यहाँ पर संगीत और यहाँ पर सूफी सिंगर जो है आ रहे हैं। दिन में यहाँ पर अभी पहला ही दिन है, काफ़ी यहाँ पर रश जो है वो होना शुरू हो गया है। और जिस तरह से उन्होंने काफ़ी यहाँ पर चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं फूलों को, 829 किस्म के जो फूलों को जो यहाँ पर दर्शाया गया है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है अलग अलग जो कलाकारों को यहाँ पर अपना गीत या फिर नृत्य जो है पेश करने के लिए यहाँ पर मौका दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे चंडीगढ़ में जो है कंपटीशन बच्चों के लिए जो है कंपटीशन जो है वो करवाए गए हैं। उसके साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस के भी जो है पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। हालांकि 43वां यहाँ पे ये रोज़ फेस्टिवल मनाया जा रहा है, नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि काफ़ी जो है इस बार जो है अलग से कोशिश की गई है अलग से अलग तरह से करने का, लेकिन जो है यहाँ पर आज सुबह से जो है भारी बारिश जो हुई है उसने जो है थोड़ा सा काम यहाँ पर ज़रूर ख़राब किया है, इसलिए काफ़ी कुछ जो है वो डिले हो गया है। टेंट वगैरह जो है यहाँ पर उड़ गए थे, उनको दोबारा से जो है वो ठीक किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी से ही जो है वो भीड़ शुरू हो गई है और थोड़ी ही देर में जो है यहाँ पर एडवाइज़र जो है वो आके यहाँ पर अपना इनॉग्रेशन करेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर नगर निगम द्वारा जो है यहाँ पर सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है और भी जो है अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं। 43वां रोज़ फेस्टिवल है और जो है नगर निगम द्वारा जो है ये मनाया जाता है और भी काफ़ी जो है इसमें कंपटीशन से साथ साथ जो है और भी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पेश की जाती हैं और लोगों को, छात्राओं को जो है यहाँ पर मौका दिया जाता है अपनी प्रतिभा को जो है दिखाने के लिए। चंडीगढ़ से कैमरामैन गीत दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, DN9 न्यूज़। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल, कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर पे। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।